नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है एक पैसा। बहुत पुरानी बात है, एक फकीर हुआ करते थे। वह अपने जीवन का यापन करने के लिए टोपियां सीकर बेचते थे। भोजन के खर्च के अलावा अक्सर उनके पास एक या दो पैसे बच जाते थे, जिसे वे किसी जरूरतमंद को दान कर दिया करते थे। उसी नगर में एक सेठ निवास करते थे। सेठ ने देखा कि यह फकीर ऐसा करते हैं, तो उनके देखा देखी सेठ ने भी दान पुण्य करना शुरू किया। सेठ एक दिन फकीर के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं दान करना चाहता हूं, मैं किसे दान दूं? तो फकीर ने कहा, जिस किसी को भी तुम यह समझते हो कि इसे जरूरत है या जरूरतमंद है, उसे यह दे दो। सेठ को बात जच गई, वो चल पड़े। उन्होंने देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है, तो सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही दान देकर इसका कष्ट दूर करूं। उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को दे दिए। भिखारी 100 रुपए देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सेठ को बहुत दुआएं दी, बहुत आशीष दिए। सेठ भी बहुत खुश हुआ और भिखारी चला गया। अब सेठ के मन में आया कि देखूं यह इस रुपए का क्या करता है। वह छुप छुप कर उस भिखारी का पीछा करने लगा। उसने देखा भिखारी पहले एक शराब की दुकान पर गया, उसने ढेर सारी शराब पी। मांस की दुकान पर गया, उसने पेट भर के मांस खाया और फिर लड़खड़ाता हुआ जुए के अड्डे पर पहुंचा और जुआ खेलने बैठ गया। शराब पिए हुए था, जुआ खेलते खेलते वह सारा पैसा हार गया। काफ़ी लड़ाई झगड़ा गाली गलौच हुई। अंत में साथी जुआरियों ने उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया और वह वापस आकर पुनः उसी जहाँ वह बैठकर भीख मांगता था उसी जगह पर आकर बैठ गया। सेठ को बहुत गुस्सा आया, बड़ा दुखी भी हुआ। वापस फकीर के पास पहुंचा, पूरा किस्सा उसने फकीर को सुनाया और कारण पूछा। फकीर ने कहा, आप कल शाम को आइए, फिर हम बात करेंगे। सेठ चला गया। रात भर उसे चैन से नींद नहीं आई। दूसरे दिन शाम होने का इंतजार करने लगा और शाम होते ही फकीर के पास फिर पहुंच गया। फकीर ने उसे एक पैसा देते हुए कहा कि आज की यह मेरी बचत है, इसे आप किसी को दान कराएं। सेठ को बड़ी शर्म आई, एक पैसा लेकर किसे दे। फिर भी वह फकीर की बात सोच फकीर का मान रखकर चला गया और निकला बाहर और एक किसी अन्य भिखारी को उसने वह एक पैसा दे दिया। अब सेठ के मन में पुनः आया कि देखूं यह इस एक पैसे का क्या करता है। उसने उस भिखारी का पीछा करना भी शुरू किया। वह भिखारी थोड़ी दूर आगे जाकर अपनी झोली में से एक मरे हुए पक्षी को निकालकर उसने फेंक दिया और आगे जाकर एक रोटी की दुकान से उसने 2 रोटियां ली और खुशी खुशी उन्हें खाने लगा। सेठ से रहा नहीं गया, उसने पूछा, भाई तू इतना खुश क्यों है? तो वह भिखारी बोला, सेठ जी 3 दिन से मैं भूखा था, कुछ भी खाने को नहीं था,
इसलिए इस मरे हुए पक्षी को उठा लिया था कि इसी का मांस खाऊंगा। अब आपने पैसे दे दिए हैं तो मैं यह मांस क्यों खाऊं, इसीलिए रोटियां खा रहा हूं और खुश हूं। सेठ चकित हो गया। वह वापस फकीर के पास पहुंचा और उसने सारा किस्सा फिर से सुनाया और फिर कारण पूछा। फकीर ने कहा, सेठ, तुम्हारा पैसा बेईमानी, झूठ, फरेब, अन्याय का कमाया हुआ है। वह जिसके पास भी गया उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इस कारण उसने गलत आचरण किया, परंतु मेरा पैसा ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत का है, इसलिए उसका सदुपयोग हुआ। याद रखो, आप हमेशा ईमानदारी और अच्छी कमाई का पैसा ही फलता फूलता है। सेठ बदल गया। उसने सारी बेईमानी छोड़ दी, ईमानदारी और सच्चाई से अपना व्यापार करने लगा और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।